अखिलेश के प्रहार पर राजा भैया का पलटवार। कुंडा विधायक बाहुबली राजा भैया ने दिया जवाब। अखिलेश जो चाहे बोले, सपा में जाना कौन चाहता है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में उतारे हैं राजा भैया ने प्रत्याशी। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उफ राजा भैया पर अखिलेश के हमले के बाद राजा भैया की तरफ से भी पलटवार हुआ है। राजा भैया ने सपा अध्यक्ष के हमले के जवाब में कहा कि सपा में जाना ही कौन चाहता है। हाँ, अखिलेश के लिए उनकी पार्टी जनसत्ता दल के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। राजा भैया ने कहा है कि अखिलेश यादव प्रदेश भर के राजपूतों से नाराज हैं। अखिलेश यादव ने चुनावी मंच से ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी ने उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। राजा भैया का अखिलेश पर पलटवार वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिलेश ने कुंडा की रैली में राजा भैया पर जमकर हमला बोला था। अखिलेश ने कहा था कि हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे तो ऐसा नचाएंगे कि पता नहीं चलेगा कि कहां चले गए। मायावती भी अपनी चुनावी सभा में राजा भैया का जिक्र करती हैं कि किस तरह उन्होंने ऐसे बाहुबलियों का निपटारा किया था। कुंडा रैली में जिस तरह अखिलेश ने राजा भैया पर निशाना साधा, तो जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जवाब दिया। राजा भैया ने कहा कि अखिलेश पूरे प्रदेश के राजपूतों से नाराज हैं। वो इतने पर नहीं रुके, बोले सपा में जाना ही कौन चाहता है। उन्होंने तो अपना खुद का दल बनाया है। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, जो वादा किया उसे निभाया। राज्यसभा चुनाव में यही कहा था कि सपा जीतेगी, बसपा हारेगी, वही हुआ भी। राजा भैया ने अपनी पार्टी से प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से प्रत्याशी खड़े किए हैं, इससे वहां की चुनावी लड़ाई बहुकोणीय हो गई है।